हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम फिर से पोर्ट्रेट देखेंगे। ये पोर्ट्रेट में मैं एक बच्चा निकाल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि मैं जो आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक में मैंने आपको बताया है, एक रेक्टेंगल लेना है, उसके तीन पार्ट सेम करने हैं। तो दोस्तों ये टेक्निक किसी ने मेरे हिसाब से नहीं बताया, अगर बताया होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो सोचा है उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये तीन पार्ट हो गए हैं और सेम तीन पार्ट कर दिए। यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ 1, 2 और 3। तो ये जो बीच के दो लाइन्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने हाफ सर्कल निकाल लिया और ये नीचे जो है वो थोड़ा छोटा हाफ सर्कल आएगा, जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया, सेम यहाँ पर वही कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी शेडिंग करके दिखाने वाला हूँ, पिछले वीडियो में मैंने शेडिंग करके नहीं दिखाया था जस्ट। अभी ये भी मैंने सेम दो पार्ट कर लिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वहाँ पर भी दो पार्ट कर लिए। ये जो ऊपर का रेक्टेंगल जो हो गया उसके बीच में भी मैंने एक लाइन दी, उसके भी दो पार्ट यहाँ गिन के ऊपर के साइड मैंने एक मार्किंग किया। ये हमारे हेयर स्टाइल की मार्किंग हो गई, वहाँ से हमारे हेयर्स आएंगे ऊपर का टॉप। अभी नीचे का जो है रेक्टेंगल उसमें भी मैंने सेंटर में एक लाइन दे दी, वहाँ लिप्स का नीचे का पार्ट आएगा, मतलब हमारे जो दो दो लिप्स है उसका नीचे का जो पार्ट है वो यहाँ पर आएगा। जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है उसके नीचे मैं आईज निकालने वाला हूँ, तो सेम डिस्टेंस वहाँ पर लेना है आईज के लिए, सेम डिस्टेंस। बीच में भी उतना ही मैंने छोड़ दिया जितना मैंने ये लिया है, और इस साइड में भी उतना ही, मतलब तीन आंखें बैठेगी इतना डिस्टेंस यहाँ पर आना चाहिए। तो आप देखेंगे साइड में जो ब्लैंक जगह छूटी है वो लगभग आधे से ज़्यादा आईज वहाँ पर बैठेंगी। तो ये आईज के मैंने साइज़ यहाँ पर लिए कि उसकी साइज़ क्या आएगी, तो उसका सेंटर निकाल के मैंने यहाँ पर ऊपर की लाइन ले ली आईज की। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह मैं निकाल रहा हूँ। अभी इसके बीच में जो आईबॉल निकालूंगा मैं, ये जो आईबॉल है तो ये सेंटर में आईबॉल, और यहाँ पर आप देखेंगे तो उसमें बीच में मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ, यहाँ पर भी एक पॉइंट। तो इतनी जितनी लाइन आएगी उतनी नीचे के साइड ये क्रॉस लाइन हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर इक्विलेटर ट्रायंगल होना चाहिए। जहाँ पर इक्विलेटर ट्रायंगल जॉइंट हो गया है ये देखेंगे आप, आँखों के कॉर्नर से मैंने लाइन लिए तो उसके थोड़े नीचे 1-2 mm नीचे और 1-2 mm वो लाइन के बाहर, तो ये साइज़ का नोज़ आता है। नेक्स्ट वो जो लाइन दी उसके नीचे थोड़ा फिर से 1-2 mm नीचे के साइड, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस लाइन दे दी है। तो दोस्तों यहाँ अब ये नोज़ का शेप मैंने यहाँ बना लिया है। तो ये आप देखेंगे ये नोज़ बहुत आसान टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप अगर याद कर लोगे तो काफ़ी अच्छी बात होगी। अभी ये जो दो लाइंस है इसके सेंटर में एक लाइन मैंने दी, वहाँ से ऊपर का लिप स्टार्ट हो जाएगा, और ऊपर का लिप छोटा रहता है, पतला रहता है, और नीचे का बड़ा रहता है, इसलिए वो डिस्टेंस मैंने यहाँ लिया है। तो ये आँखों के सेंटर से जो लिया आईबॉल से, तो यहाँ पर लिप्स बीच में की जो लाइन है वो लगभग वहाँ तक आएगी, वो लाइन के थोड़े अंदर अंदर। यहाँ देखो पेंसिल टूट गई, मैं शार्प कर रहा हूँ, ये शार्प करके फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि लिप्स का जो सेंटरी पार्ट जो है लाइन है, वो जो आँखों से दो लाइन मैंने नीचे लिए है तो उसके थोड़ा सा अंदर। तो ये ऊपर की लिप्स यहाँ पर देखेंगे आप किस तरह मैंने बनाई है, तो ये ऊपर की लिप्स बन गई, और नीचे की लिप्स ये मोटी आती है, थोड़ी उसकी साइज़ बड़ी आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दो लाइंस नोज़ के नीचे, यहाँ से एक स्लैंटेड साइड से दो लाइन, और जो नीचे का लिप्स है उसके नीचे और एक लाइन आएगी जहाँ हमारी चीन है, और थोड़ी सेंटर से ऊपर। तो ये हमारा फेस का स्ट्रक्चर लगभग हो गया। अभी आँखों के जो कॉर्नर है वहाँ से अगर लाइन लेते तो उसके 1-2 mm बाहर से हमारी नेक आती है। तो ये जो मेजरमेंट आप लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिप्स का जो नीचे वाला पार्ट है ये सही लाइन है, तो उसका सेंटर यहाँ पर देखेंगे, उसका सेंटर तो यहाँ से शोल्डर आते हैं। तो ये मैंने जो महसूस किए, मैंने जो सीखा है
मैंने जो देखा है ऑब्जर्वेशन जो है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ये मेजरमेंट आपको निकाल के दिखाया। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैं कॉलर बना रहा हूँ, तो कॉलर किस तरह आती है शर्ट की कॉलर, तो इस टाइप में ये कॉलर यहाँ आपको दिखेगी। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है मेजरमेंट में, लेकिन ये जनरल मेजरमेंट मैंने बताया। अभी आईब्रोज रह गए, तो आँखों के ऊपर की जो लाइन है उसको थोड़ी डार्क करना है, मतलब मोटी करना है, नॉट ए डार्क, उसको थोड़ी मोटी करना है और नीचे की हल्की हल्की रखनी है। आँखों के ऊपर एक लाइन आएगी, ये भी आँखों के ऊपर लाइन आएगी, नीचे भी एक लाइन आएगी, सेम ये साइड से भी लाइन आएगी। और आईब्रो जहाँ से है तो यहाँ आप देखेंगे आईब्रो थोड़ी क्रॉस में आती है आँखों के थोड़ी बाहर, तो ये आईब्रो की लाइन मैंने निकाल ली। सेम यहाँ पर देखेंगे तो ये भी सेम डिस्टेंस पे लेना है, और यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पे लेना है। तो ये आईब्रो यहाँ पर बन गई है। तो ये इतना आसान टेक्निक मैंने बताया। अभी रह गए ईयर, मतलब कि कान। तो कानों के लिए जो ये लाइन है आईब्रो के पास की और नोज़ की लाइन, ये दो लाइन जो है नोज़ के पास की और आईब्रो की लाइन, उसके बीच में यहाँ पर एक सेम डिस्टेंस पे लाइन खींच लेना है। उतनी इसमें उतनी साइज़ में आपको ईयर मतलब कि कान निकालने हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा ढांचा प्रोपोर्शन का। अभी इसको हम थोड़ा आगे चल के शेडिंग कैसे आएंगी, ये कानों के अंदर का पार्ट कैसा आएगा, उसके बाद में हेयर स्टाइल कैसी रहेंगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करने वाला हूँ, जो भी मैं बनाऊँगा वो थोड़ा सा इजीली रहे। तो यहाँ कानों के पास से ये लाइन, और यहाँ पर देखेंगे तो ये ऊपर की लाइन है, वहाँ तक इसको ज्वाइन करनी है। तो ये यहाँ पर हमारी हेयर स्टाइल हो गई। आँखों में थोड़ा अभी डिटेल, थोड़ा बीच का पार्ट छोड़ दिया मैंने, और आजू बाजू का जो है वो जस्ट डार्क कर लिया। तो ये आईबॉल हमारे कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ये आईब्रो के लिए थोड़ा डार्क मैंने कर लिया, ये आईब्रोज बन गए। नोज़ की जो लाइन है इसको भी थोड़ा डार्क कर लिया। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ से थोड़ी अंदर की साइड, यहाँ से थोड़ी अंदर की साइड। तो ये हो गया चीन का पार्ट, हमारा फेस यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखेंगे कि नीचे का जो पार्ट है नेक का, तो ये थोड़ा डार्क रहेगा, और फ्रंट में जो है वो लाइट लाइट आते रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह मैंने शेडिंग कर ली है। आपको समझने के लिए मैंने नेक से स्टार्ट कर दिया पहले ही। तो यहाँ पर अभी डार्क पार्ट कौन सा आएगा, जो अंदर गया हुआ पार्ट है वो थोड़ा डार्क रहेगा, और जो उभरा हुआ पार्ट है वो यहाँ लाइट लाइट दिखेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह मैं ये शेडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ शेडिंग करने से पहले, अभी तो मैं ये शेडिंग आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि कौन से पार्ट कैसे आते, लेकिन इसके जो लाइन से ये सारे मिटाकर मैं आपको शेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ हेयर स्टाइल किस तरह आएगी, ये अंदर की साइड, ये बाहर की साइड, फिर ये अंदर की साइड। यहाँ पर देखेंगे तो ये बालों के लिए मैं सिंपल से लाइन दे रहा हूँ। तो यहाँ ये फोरहेड पे आएगा, फिर यहाँ कर ये अंदर। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये शेडिंग मैं कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हेयर कहाँ से है और किस तरह बनाते हैं। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक में मैंने ये आपको पोर्ट्रेट यहाँ पर दिखाया है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ रोक कर आप फिर से देख कर, यहाँ तक लगभग 9 मिनट का ये कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। अभी यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा लिया। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको मैं मिटा रहा हूँ, और ये मिटाने के बाद इसमें मैं शेडिंग करके दिखाता हूँ शेडिंग कैसे आएगी। तो यहाँ आप देखेंगे किस तरह शेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ शेडिंग आती है वो दिखाने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे किस तरह मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ये आँखों के ऊपर, आँखों के नीचे, यहाँ थोड़ा डार्क आएगा, और लेफ्ट साइड जो है ये कंप्लीट, ये हमारा जो चीक है वहाँ तक कंप्लीट शेडिंग आएगी।
यहाँ उसमें मर्ज हो जाएगी। सेम पार्ट उस साइड में भी वैसे ही करना है। तो दोस्तों इस तरह आप शेडिंग करोगे तो काफ़ी अच्छा शेडिंग दिखेगा। इसमें और भी ग्रेडेशन चाहिए, यहाँ पर मैं बहुत फास्ट बनाकर दिखा रहा हूँ और ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, इसके वजह से यहाँ पर और एक दो टोन आप अगर दे सकते हो डिटेल में तो किस तरह आएगा वो देखना है। तो ऊपर का लिप जो रहता है वो डार्क रहता है और नीचे का जो लिप्स है वो लाइट रहता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान देनी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये शेडिंग मैंने यहाँ लगभग कंप्लीट कर ली। अभी फोरहेड से स्टार्ट की थी तो यहाँ पर भी फोरहेड से स्टार्ट करता हूँ इस साइड में, और ये शेडिंग मैं यहाँ कंप्लीट करते चल रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। इसके बाद मैं और एक वीडियो डालने वाला हूँ जो ओल्ड मैन का रहेगा या ओल्ड वूमन का रहेगा, कोई भी बनाकर मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। दोनों भी सेम है, प्रोपोर्शन सेम लेने वाला हूँ यहीं प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस के लिए। और वहाँ पर लाइंस कैसे आएंगे, उसके पार्ट कैसे बनेंगे शेडिंग के, तो वो देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ वहाँ मैं इरेज़र से थोड़ा इरेज कर रहा हूँ और बाकी चीज़ें जो है वो शेडिंग हमने किया है। तो यहाँ पर आप ये इस तरह हमारा ये पोर्ट्रेट लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने HB पेंसिल से किया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। थैंक यू वेरी मच।